Hey guys, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है रीति बाबा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज पहले जाके सब्सक्राइब वाले बटन पे प्रेस करो क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगे यार। इट वुड लिटरली मीन द वर्ल्ड टू मी। सो प्लीज 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 जाके प्लीज सब्सक्राइब अभी करो। एंड आज के वीडियो में मैं एक स्टोरी टेलिंग काइंड ऑफ वीडियो बना रही हूँ जो कि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है बनाते हुए और मुझे उनके वैसे टाइप के वीडियोस खुद भी पर्सनली देखना बहुत पसंद है। इसलिए मुझे कब से मेरे चैनल पे एक स्टोरी टेलिंग वाला वीडियो बनाना था तो फाइनली मैं अपनी कोविड की स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो जो कि आप होंगे तो प्लीज देखते रहो। एंड आज मेरा 100th वीडियो है, लिटरली ये मेरा 100th वीडियो है यूट्यूब पे एंड इट मेक मी जस्ट यू नो वेरी नॉस्टैल्जिक एंड यू नो इट्स एक्चुअली गिविंग मी ओवरवेलमिंग वाला फीलिंग क्योंकि क्या है ना मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि 1.5 साल हो गए मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रही हूँ या ज्यादा भी हो गए और 100 वीडियोस हो भी गए मेरे यूट्यूब पे। एंड हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग गुड। एंड हाँ इसलिए मेरा 100 वीडियो मुझे चाहिए था कि बहुत रॉ अनफिल्टर्ड एंड बस यू नो ऐसा रहे कि आप लोग मुझे यू नो रियल मी को देख सके। इसे मेरा मेकअप भी कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। मैं जस्ट नहा के आई हूँ एंड अभी ग्रोसरी शॉपिंग करके घर पे आई क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी तो कुछ मिलने नहीं वाला है, फिर अभी से सब लेकर आ गए। तो एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी टेलिंग एंड या लेट्स गेट राइट अवे इनटू द वीडियो। सो अगर आप सोचो कोविड मुझे अभी हुआ है तो नो गाइस अभी नहीं हुआ है, बहुत टाइम पहले हुआ था, मैं बताऊंगी कब। बट मैं अभी फिलहाल एकदम फिट एंड फाइन और एकदम ठीक हूँ तो टेंशन मत लो। मैं मतलब मेरी सेहत अच्छी है और मैं एकदम सही हूँ, अभी कुछ नहीं हुआ है। मुझे कोविड एक्चुअली ऑगस्ट में हुआ था, 16th को मतलब मुझे समझा कि हुआ था ऐसे। मुझे इसलिए याद है क्योंकि वेल मैं जॉब पे जाती थी एंड मैंने छुट्टियां ली थी तभी, इसलिए फिर मुझे पता है 16th ऑगस्ट को हुआ था। एंड एक्चुअली इसके सिम्टम्स मैं बताती हूँ एग्जैक्टली कैसे हो, मुझे और मॉम को दोनों को हो गया और साथ में ही समझ गया। तो क्या हुआ ना, 16th के 2-3 दिन पहले मुझे सोर थ्रोट हो रहा था, खांसी हो रही थी और सर्दी भी हो रही थी। मतलब इतना अलग टाइप की सर्दी और खांसी, मेरी लाइफ में ऐसी सर्दी और खांसी मुझे कभी हुई नहीं। सोर थ्रोट नॉर्मली मुझे होता ही है, मतलब कुछ ठंडा खा लिया ना मेरा है ही, मतलब मुझे सर्दी और खांसी तो हमेशा ही रहती है तो मुझे कुछ अलग नहीं लगा। बट ये वाले टाइप ना कोविड वाली जो मुझे सर्दी खांसी और सोर थ्रोट था ना अलग ही था। मतलब सोर थ्रोट था बट फील भी नहीं हो रहा था कि था, बट फील हो रहा था कि था। अभी मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मतलब नॉर्मली जैसा फील होता है वैसे सोर थ्रोट में नहीं हो रहा था। और सर्दी में कुछ मुझे जब सर्दी मतलब सर्दी में कैसे रनिंग नोज होता है यू नो वैसा जो होता है नॉर्मल सर्दी में, मुझे सिर्फ इधर थोड़ा सा ऐसा लगता था कि है बट बस वो थोड़ा सा ठीक है और सोर थ्रोट भी थोड़ा सा है। मतलब उसका अलग ही मतलब कैसे समझा गया मैं आपको ठीक से बता नहीं सकती कि कैसे। और खांसी भी ना कैसे ऐसे अपन जोर जोर से खांसते हैं कफ होता है ये सब होता है, बट मुझे खांसी ऐसे हल्की सी इतनी हल्की सी थी ना मैं अलग ही थी। मतलब माइल्ड था उसका जो मतलब इफेक्ट था ना वो माइल्ड था एंड नॉर्मल सर्दी खांसी की तरह नहीं था। नॉर्मल सर्दी खांसी भी कैसे थोड़ा बहुत तो अपने को होता ही है कुछ, ये वाले में मुझे पता है कि मुझे है बट ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है। वैसे बेसिकली हो रहा था सो उधर ड्राई एंड वैसे मेरे को फील हो रहा था बट मुझे खांसी नॉर्मल नहीं हो रही थी, बट खांसी थी ना थोड़ा सा मतलब था। एंड सर्दी भी मुझे मेरा नोज वेट रहता था बट यू नो स्नीजिंग एंड वो सब नहीं होता था और रनिंग रोज नहीं था तो बहुत ही अलग टाइप का था जो भी था। फिर मैं जॉब को गई थी 16th को एंड अचानक से ये तो सिम्टम 16th के पहले से 3 दिन मुझे थे ठीक है सोर थ्रोट कोल्ड एंड कॉफ, बट वो कैसे मुझे हमेशा रहता है तो मैंने इतना कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर मैं 16th को गई जॉब पे एज यूजुअल रोज जा रही थी, उस दिन भी गई जॉब पे गई एंड जॉब पे मुझे अचानक से 11 बजे ना भुखार जैसा फील होने लगा, मतलब लिटरली बॉडी गर्म हो गई ऐसे इमीडिएटली। फिर आई मुझे टायर्ड एकदम थका हुआ फील होने लगा एकदम, मतलब मुझे लिटरली चलने की भी नहीं था, अचानक से ऐसा यू नो फील होने लगा अचानक से 11 बजे। तो फिर मैं जॉब के नॉर्मल टाइम से घर निकली, 1 बजे में निकलती थी जॉब के बाद तो फिर घर पे आ रही थी। तो मैं आई और मेरे को इतनी भी ताकत नहीं थी कि मैं वो ST की बस लूँ जो मैं लोकल ले रही थी इतने टाइम से, मैं डायरेक्ट रिक्शा की और डायरेक्ट घर पे आ गई। एंड आते ही मुझे बुखार जो चढ़ गया, फिर 2 या 3 दिन मुझे पूरा कंटिन्यूस बुखार था एंड बहुत ही तकलीफ थी तब। फिर ठीक है मतलब
तो मुझे सर्दी हो गई, खांसी हो गई, बुखार हो गया, मैं डॉक्टर के पास चली गई। फिर बुखार होने के बाद फिर मुझे तब मतलब समझ ही गया कि मुझे कोविड हो गया है, ठीक है। मेरी मॉम को भी मतलब तकलीफ हो रही थी, बट उसको कुछ इतना हो नहीं रहा था जितना मुझे हो रहा था। तो मुझे पता था मुझे कोविड है, बट मेरी मॉम मुझे मतलब बोल रही थी कि नहीं अपनी टेस्ट लेंगे, बिकॉज एट दैट टाइम ये बहुत सब कुछ नया था। तो मेरी मॉम को डर लग रहा था हमको क्वारंटीन कर देंगे, लेकर जाएंगे किधर, शी वाज स्कैर्ड ऑफ दैट। इसलिए फिर मैंने टेस्ट नहीं कराया, मैंने कोविड का कोई टेस्ट नहीं कराया तभी, क्योंकि फिर लेकर जाते ऐसा मम्मी को डर लग रहा था। मुझे पता है कुछ लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग का घर बड़ा है ना, हम दोनों को क्वारंटीन हम खुद के घर पे हो सकते हैं, क्योंकि बाकी लोग कोई है नहीं, तो इसलिए मुझे पता था। बट फिर फॉर द सेक ऑफ माय मदर आई डिडंट टेक द टेस्ट। एनी वे सारे सिम्टम्स मुझे थे, तो मुझे समझ गया था तब कि बुखार आया, कि मुझे कोविड हो गया। गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर को भी बताया, तो उन्होंने मेडिकेशन दिए, नॉर्मल दिए, वही जो नॉर्मल अपने को सर्दी खांसी ये सब होता है वो वाले वही दिए, एंड मुझे विटामिंस भी दिए, वो सब दिए, एंड ये सब हो गए। तो 3 दिन के बाद फिर सोचो क्या हो गया, 3 दिन के बाद फिर टेस्ट और स्मेल पूरा चल गया, पूरा मतलब पूरा चल गया। मतलब इतना मुझे इरिटेट हो रहा था जब टेस्ट और स्मेल चल गया, और मुझे सफोकेट भी फील होता था। मतलब ऐसा नॉर्मली नहीं सफोकेट होता था, बट जब मैं नहाती थी, मुंह धोती थी ना, तो मेरे हाथ में ऐसा लेकर जाती थी मेरे मतलब ऐसे धोने के लिए, तो लिटरली मुझे सफोकेट होता था, सफोकेट इसके वजह से कि मतलब इतना भी मैं मुझे तब वो बहुत प्रॉब्लम होती थी सफोकेशन की, अगर मैंने हाथ पास में लिया मेरे मुंह, एंड टेस्ट भी मेरा चले गया, एंड लिटरली अगर मैं अंधी होती ना तो मुझे नहीं समझ में आता मैं क्या खा रही हूँ। टेस्ट से बनना अपने को समझता है ना क्या खा रहे, बट अगर अंधी होती और पता नहीं है कि क्या खा रही हूँ तो लिटरली समझता ही नहीं। इतना मेरे मतलब जीरो टेस्ट समझ रहा था और जीरो स्मेल समझ रहा था, स्मेल तो आ ही नहीं रहा था, सफोकेट भी हल्का सा फील होता था मुझे। तो ये कितना टाइम चला पता है आपको? एक पूरा महीना चला मेरा टेस्ट और स्मेल एक महीने तक आई नहीं। 10-15 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा करके फिर फाइनली एक महीने के बाद पूरी टेस्ट मेरी आ गई और पूरी स्मेल है। बट ओ माई गॉड यू गाइज, वो एक महीना मेरे लिए हेल था, बिकॉज मैं एक फूडी हूँ, एंड खाना खा के चाय पीती थी, चाय की टेस्ट नहीं आती थी, इतना इरिटेट होता था कि वॉट इज हैपनिंग विथ मी। बट इतना ये सब तो सारे सिम्टम्स थे, तो मुझे पता था कि मुझे कोविड है, तो मैं घर पे ही थी, मतलब मैं गई नहीं बाहर किधर, एक्सेप्ट फॉर द डॉक्टर मैं नहीं गई किधर, बिकॉज मेरे वजह से किसी और को ये मैं नहीं चाहती इतना, तो मैं घर पे ही बैठती थी। बट मैं बता रही मतलब पूरा एक महीना मुझे टेस्ट और स्मेल नहीं आया, और ये सर्दी का वो चले गया, 2-3 दिन में सब चले गया, बुखार की 3 दिन में चले गया, एंड ये सब सिम्टम्स, एंड मुझे वीक वगैरह तो कुछ नहीं फील हुआ, सिर्फ बुखार था। तो बुखार आने के बाद वैसे इंसान को वीक फील होता है, तो सिर्फ वो 2 दिन की बात थी, एंड उसके बाद मुझे कुछ नहीं, सिर्फ फिर पूरा एक महीना भर टॉर्चर था वो टेस्ट और स्मेल नहीं आना। और मेरी मॉम को बुखार नहीं आया, मेरी मॉम को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उसका टेस्ट और स्मेल चले गया। सो आई गेस मेरी मॉम की इम्यूनिटी अच्छी है, एंड मैं तो हुई फिट्टू सी हूँ, मैं तो मतलब मैं बहुत ही ज्यादा नाजुक हूँ, मैं दिखने में हट्टी कट्टी हूँ बट मैं बहुत नाजुक हूँ। मतलब व्हेन आई फील, जब मैं बीमार पड़ जाती हूँ ना, बस मैं एकदम ही ढीली पड़ जाती हूँ, तो मुझे सारी तकलीफें हुई। बट कोविड वॉज नॉट दैट बैड एक्सपीरियंस, लाइक बिकॉज मे बी आई एम, यस बिकॉज आई एम यंग, आई एम 24, सो ऑब्वियसली उसके वजह से, एंड इवन माई मदर बींग 44, बट शी इज गुड, एंड शी like has really good immunity, because I've seen her hemoglobin and all her blood count cell and all of that, so my mother has a good immunity, and touch wood, cause I don't want anything happening to my mother, so uski waisi hi rehni chahiye immunity, to meri nahi hai achhi mujhe pata hai, to isse meko fir bhi mujhe itni hi zyada matlab problem nahi hua। टेस्ट ऑफ स्मेल इज नॉट समथिंग, इट इज डिसकम्फर्ट, बट मेरी बॉडी को कुछ नहीं हो सकते है ना। तो कोविड आई थिंक अगर कोई इंसान की बॉडी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो ही वो उसको अफेक्ट ज्यादा क्या मतलब सीरियस तभी होगा जब इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, इसलिए ज्यादा ओल्ड एज पीपल को अफेक्ट कर रहा है ना। ओल्ड एज में भी जिनकी इम्यूनिटी ओल्ड एज में भी अच्छी है तो उनको भी होके वो ठीक हो गए बहुत सारे जन, बट जिनको जैसे ये डायबिटीज है ये सब है तो फिर वहां पे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं कोविड का। ऐसा मुझे नहीं, एक्चुअली ऐसा ही है, बिकॉज आई सीन सो मेनी केसेस, मेरी फैमिली में 4-5 जन की डेथ हो गई कोविड की वजह से। एंड जब अपनी बॉडी अंदर से सब ठीक है ना, तो अगर कोई बीमारी आ गई तो भी वो ठीक हो ही जाएगी,
मॉम एक्चुअली चावल मतलब खिचड़ी बना रही, तो आपको वो सीटी का आवाज आ रहा होगा। तो कोविड ऐसा था, ठीक है, तो मुझे होके गया, मुझे पता है क्योंकि सारे सिम्टम्स है, भले मैंने टेस्ट नहीं करा है बट मुझे होके गया और मुझे पता है मुझे था, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस यही कहूंगी कि इट वॉज टेरिफाइंग। कोविड होने के बाद मुझे ऐसा लगता था आई एम गोइंग टू डाई बिकॉज बहुत लोग मर रहे थे, तो मुझे आज भी इनफैक्ट एक बार होके गया फिर भी मुझे कोविड की होगा तो मुझे कुछ होगा नहीं ये वाली भी फीलिंग है, बट ऐसा भी लगता है व्हाट इफ आई डाई, बिकॉज इतना सारा चल रहा है आजकल पैंडेमिक में, तो एक वो कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में ये डर रहता है कि यार अगर मैं मर गई तो यू नो, तो वो कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में रहता ही अभी भी। बट एनी वेज अभी वी हैव टू लिव विद कोविड एंटिल इट डजंट गोज कम्प्लीटली। क्या नहीं कर सकते अपन लोग, है कि नहीं, सिर्फ प्रिकॉशन ले सकते, खुद का ध्यान रख सकते हैं एंड अपने आजू बाजू वालों का भी ध्यान रख सकते हैं, सारे प्रिकॉशंस भी ले सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कोविड से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बट कोविड ना हो इसका पूरा कोशिश करो, काळजी लो कि ना हो। मैंने तो ली थी बट कैसे था, मैं रोज ट्रैवल कर रही थी तभी, रोज एसटी बस में जा रही थी एंड तभी इतना नया था, फिर भी एसटी में इतने करीब यू नो गर्दी में मैं जा रही थी इतना कंजेस्टेड रह के मुझे कैसे नहीं होगा। एंड वो बोल भी नहीं सकता, मेरी मम्मी ना ऑफिशियल कामों से बहुत रोज बाहर जा रही थी तब, ठीक है, रोज वो मेरे डैडी का ऑल काम तो बहुत था, तो इसलिए फिर मेरी मॉम बाहर जा रही थी, तो यू नेवर नो मुझे मेरी मॉम की वजह से हुआ या किसकी वजह से हुआ वो तो नहीं पता भी कैसे हुआ किसके थ्रू हुआ, तो इसलिए फिर मैं बाहर जा रही थी, मेरी मॉम बाहर जा रही थी, तो ऑल्दो मैंने सैनिटाइज बहुत किया था तब पर फिर भी हो गया, बट क्या ही कर सकते हैं अभी वो। और मैंने बहुत मेरे दोस्तों को सुना है जिन्होंने इतने प्रिकॉशन लिए कि फिर भी उनको हुआ है, तो आई गेस जिसको होना है वो होगा ही, बट फिर भी अपने साइड से परफेक्ट रहो और प्रिकॉशन लो, बाकी हो भी गया तो डरना मत कोई अभी भी। इट अगर आपकी मतलब आप यंग हो एंड अगर आपको कोई यू नो हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो ज़्यादा कुछ होगा ही नहीं, तो चिल रहो, डोंट गेट एंशियस कि मुझे हो जाएगा ना, मुझे होके गया, मेरी मॉम को होके गया एंड माय मॉम इज 44 इयर्स ओल्ड, सो शी वाज टोटली फाइन एंड आई वाज नॉट फाइन ओनली फॉर 2 डेज बट शी वाज टोटली फाइन, सो टच वर्ड एंड आई होप शी इज ऑलवेज बी फाइन बिकॉज या। सो भाई तो डरो मत यार, क्योंकि मैं ये इसलिए शेयर करना चाहती थी कि अगर कोई पैनिक होगा डर जाएगा वो मतलब अभी भी अगर आई एम श्योर बाय नाउ सबको ही होके गया होगा एंड ऐसा भी है ना होके भी गया होगा तो पता नहीं होगा है कि नहीं, इसलिए फिर चिल मारो, अपना ध्यान रखो और कुछ ज्यादा टेंशन मत लो, टेंशन ले ली कुछ होने नहीं वाला है, उल्टा और दिमाग पे प्रेशर आएगा इसलिए कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, वी विल गेट थ्रू इट, वी विल डेफिनेटली गेट थ्रू इट, सो यू कीप पेशेंस, स्टे पॉजिटिव एंड या। तो ये थी मेरी कोविड की स्टोरी एंड मेडिसिन, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो इसलिए मेडिकेशन सारे डॉक्टर्स आपको वही देने वाले हैं। मैं तो बोलती हूँ प्राइवेट के हॉस्पिटल्स में मत जाओ अगर किसी को हुआ तो, अनलेस सीरियस है तो भी मतलब सी जरूरी है तो जाओ, वरना डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते ऐसे टाइम पे, मतलब ट्रीटमेंट ऐसी जगह से ही लो अगर जरूरी है, मतलब जस्ट टेक अ प्रॉपर डॉक्टर्स एडवाइस, दैट इज ऑल आई विल से, योर डॉक्टर विल रिकमेंड यू एंड गिव यू द बेस्ट एडवाइस बिकॉज दैट्स व्हाट डॉक्टर्स आर सपोज टू बी डूइंग एंड दैट्स व्हाट दे डू। तो इसलिए ये थी मेरी स्टोरी, आई होप यू गाइस एंजॉयड माय स्टोरी टाइम बिकॉज मुझे ये मेरा फर्स्ट काइंड ऑफ वीडियो था एंड मेरे लाइफ में बहुत कुछ होते रहता है, तो आई वुड बी इंटरेस्टेड टू शेयर इट विद यू गाइस इफ यू आर इंटरेस्टेड टू एक्चुअली हियर माय स्टोरीज लाइक एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन माय लाइफ। सो या आई जस्ट होप आपको ये वीडियो मजा आया होगा देखने में, ज्यादा बकवास तो मैंने की नहीं है, बट हाँ कोविड देखो सबको होके गया होगा, नहीं भी हुआ होगा और होगा तो भी बस अपना ध्यान रखो, चिल मारो एंड सब ठीक हो जाएगा, बस लाइटली भी मत लो और प्रेशराइज भी मत करो, इतना ही कहना चाहूंगी। एंड ये था मेरा 100th वीडियो फॉर YouTube एंड ये थी मेरी स्टोरी। सो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वो थम्स अप वाले बटन पे प्रेस करो, नहीं भी अच्छा लगा हो तो थम्स डाउन वाले बटन पे प्रेस करो, बट जाने से पहले भी सब्सक्राइब पे क्लिक करके जाना, पहले सब्सक्राइब के पे क्लिक करना और फिर ही जाना एंड प्लीज आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो जो कि रहेगा मंडे को एंड वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। अगर आपको यू नो क्रॉप टॉप्स एंड ये सब पसंद है एंड समर क्लोथ्स के लिए कोई यू नो इंस्पो चाहिए या यू नो गाइड चाहिए तो स्टे ट्यून्ड फॉर मंडेज वीडियो एंड आई सी यू ऑन मंडे, अंटिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपनी फैमिली का ध्यान रखो एंड आई लव यू गाइज एंड प्लीज वॉच माई वीडियोज बिकॉज दैट्स विल मीन द वर्ल्ड टू मी। बाय बाय।